लाल बटन दबाकर हमारे नेचर स्किप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, नेचर स्किप यूट्यूब चैनल से मैं हिंदू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी, स्तन अगर कट जाता है, छिल जाता है, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उस तरह के स्तन से बच्चे को स्तनपान कराना सही होता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाल बटन दबाकर मेरे नेचर स्किप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं इस तरह की जो भी जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँ वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत सी महिलाओं के स्तन छिल जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स भी दे रही हूँ और आपको उंगली के जरिए बता रही हूँ। जो हमारा निप्पल होता है, निप्पल जो होता है, वहाँ आप कभी भी देखेंगे थोड़ा ऐसे हल्का हल्का दरबरा रहता है, यानी कि जो हमारी बाकी की चमड़ी होती है वो थोड़ी नरम होती है और सीधी होती है, लेकिन जो निप्पल होता है वहाँ पर थोड़ा ऐसे हल्की हल्की दरारें जैसी रहती हैं। और जब हम अपने शिशु को दूध पिलाते हैं, जब हम अपने शिशु को स्तनपान कराते हैं, उसमें अगर सिर्फ वो निप्पल भर पकड़ता है, उसके पीछे का जो ब्राउन भाग होता है वह नहीं पकड़ता है, तो इससे क्या होता है, आपके निप्पल के जो दरबरे भाग होते हैं, यानी कि जो लाइन लाइन होती है, आप कभी अपने निप्पल को ध्यान से देखिए कि जो दरबरे भाग होते हैं वहाँ पर अक्सर ऐसे भी कभी कभी हल्की हल्की दरारें से पड़ जाती हैं। और जब आप स्तनपान कराना छोड़ देंगे उसके बाद में आपको दिखाई देगा कि वहाँ वो जो हल्की हल्की दरारें जैसी रहती हैं वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकलता है, जिसे कि हमें साफ़ करना होता है। डिलीवरी के बाद में भी हमें अपने स्तन को साफ़ करना होता है। और डिलीवरी के पहले, यानी कि जब हम गर्भावस्था में होते हैं, उसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है कि तीसरे महीने के बाद जो हल्की हल्की कीलें आती हैं उन्हें साफ करके कपड़े से थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से कपड़ा लेकर के हल्का हल्का इस तरह से निप्पल के ऊपर ऐसे छिद्र होते हैं वहाँ पर हल्के हल्के सफ़ेद कीले आती हैं, उन्हें साफ करना होता है। उसी तरह से डिलीवरी के पश्चात जब आप स्तनपान कराना बंद करती हैं 1 साल के बाद में, तभी भी आप देखेंगे जो निप्पल होता है वहाँ पर, जो ये इतना भाग आपका निप्पल का रहता है, तो जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्का सा ऐसे दरार जैसा है, ये लाइन जैसा है, ऐसा ही लाइन आपको अपने निप्पल पर दिखाई देगा स्तन के, उसी लाइनों पर दरार पड़ जाती है। इसलिए आप जब भी स्तनपान कराएं अपने शिशु को, खासतौर से 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक नहीं, लेकिन 3रे महीने से बच्चे को हल्के हल्के मसूड़ों में सूजन आने लगती है दांत आने के लिए, तो उस समय उस अवस्था में आप जो अपना ब्राउन भाग होता है, यानी निप्पल के अलावा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पिक्चर्स दे रही हूँ, निप्पल के अलावा जो ब्राउन भाग होता है पूरा, ये वो पूरा आपके बच्चे के मुंह के अंदर तक जाना चाहिए, जिससे कि उसके मुंह, यानी कि ये जो होठ है और होठ के बीच में जो जबड़े आते हैं, जबड़ों में जब 3 महीना बीत जाता है तो बच्चों के दांत आने, मसूड़ों में सूजन आने लगती है, तो वो भाग अगर सिर्फ निप्पल का ही अंदर जाएगा मुँह में, तो वो भाग के ऊपर दबाव आता है, जो दरारें हैं उसके ऊपर दबाव आता है, वो थोड़ा हल्का फट जाता है, इसी वजह से वो कट छिल जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप दूध पिलाएं अपने बच्चे को, तो उसमें उस निप्पल के साथ में जो ब्राउन भाग होता है पूरा, यानी निप्पल के पीछे तक का भाग जो होता है, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दे करके बता रही हूँ, तो वो भाग पूरा आपके बच्चे के मुँह के अंदर जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका वो भाग ही प्रेस, उस भाग पर दबाव नहीं, उस दरबरे भाग पर दबाव नहीं आएगा, वह नहीं कटेगा। इसके अलावा कभी कभी निप्पल कड़क हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कभी कभी इसके लिए डॉक्टर भी दवाइयां देते हैं, कुछ मरहम देते हैं, लेकिन जो घरेलू उपचार है वह मैं आपको बता दे रही हूँ कि उस जगह पर आपको जो मक्खन होता है, जो हम घी घर में निकालते हैं, वो मक्खन आपको अगर कहीं से मिल जाता है, आप खुद घर में आपके रिश्तेदार दे सकते हैं, नहीं तो पूरा आप कहीं से मंगा लीजिए। मक्खन जो होता है वो घी नहीं लगाना है, मक्खन लगाना है, लेकिन अगर मक्खन नहीं मिलता तो आप घी भी लगा सकती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप जस्ट अभी आपने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, बच्चा सो रहा है, 1/2 घंटा होगा उसको दूध पिलाने के लिए वापस से, आप दूध पिला चुके हैं, 1/2 घंटा बाद ही अब आप उसे दूध पिलाएंगे, तो इस दौरान आप अपने स्तन पर उस मक्खन को लगा लीजिए और थोड़ा हल्का सा मसाज कर दीजिए और उसके बाद में उसे ऐसे छोड़ दीजिए। जब आपका बच्चा उठेगा और आपको दूध पिलाने की ज़रूरत महसूस होगी, उस समय आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लीजिए, गुनगुने पानी में इस तरह से एक रुमाल या कॉटन जो कुछ भी है उसे इस तरह से भिगाइए, थोड़ा हल्का गुनगुना रहना चाहिए, थोड़ा गर्म रहेगा तो भी चलेगा, तो इस तरह से करके आप अपने स्तन को अच्छी तरह से जहाँ आपने घी लगाया हुआ है उसको पोंछ दीजिए। इस दौरान मक्खन जो है वो आपके पूरे स्तन के निप्पल को अच्छी तरह से मुलायम कर देता है। प्रतिदिन अगर आप ये क्रिया करती हैं 1-2 बार, तो
तो आपको इससे जो निप्पल कड़क होता है ये समस्या जो होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जो उसके फटने की समस्या होती है, ये भी निप्पल जब एकदम नरम रहेगा तो फटेगा नहीं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो मक्खन होता है उसे कहीं से मंगा लीजिए अगर आपका निप्पल कड़क है तो, नहीं तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपका निप्पल नरम है और आपको कटने छीलने जैसी कोई तकलीफ नहीं है तो ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको निप्पल कठोर है तो आप मक्खन वहां पर लगाइए, जब बच्चे को दूध पिला लेती हैं, इतनी सावधानी अगर आप बरत लेती हैं तो आपको ये जो कटने छीलने की तकलीफ होती वो नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको खून वगैरह गिर रहा है वहां से तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।